अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, BMC VTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू यूट्यूब चैनल की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, हिंदी लोकवाणी माध्यम उर्दू कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, इकाई पहली। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 7, छोटा जादूगर, इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? छोटा जादूगर। एक छोटे बच्चे की कहानी है, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको एक सीख भी मिलने वाली है। मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों, सबसे पहले आपको यहां पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना, तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। चलिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम सबक पढ़ने वाले हैं छोटा जादूगर। तो सबक पढ़ने से पहले, पाठ पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी से परिचय कर लेते हैं जो इस पाठ के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। परिचय, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्या क्या है? नाटक भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, इस तरह ये बहुत मशहूर है तमाम चीज़ों में। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। तो ये था इनका परिचय, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। 3 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, 15 नवंबर 1937 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। चलिए बढ़ते आगे। झरना, आंसू, लहर आदि काव्य, कामयानी महाकाव्य, शंकरगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ऐतिहासिक नाटककार, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह इनकी, कंकाल, तितली, इरावती इनकी उपन्यास है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए बढ़ते आगे और करते हैं हमारे पाठ की शुरुआत। ये पाठ 4 भाग में है, तो पहला भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले, पाठ क्रमांक 7, छोटा जादूगर, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, इनका परिचय हमने देख ली। बढ़ते हैं सबक की तरफ।
कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था, कौन कह रहे हैं, लेखक जयशंकर प्रसाद, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते की ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा। ये है हमारे पाठ का पहला पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के, कार्निवल में गए थे वो लोग, कार्निवल के मैदान में चारों तरफ बिजली क्या हो रही थी, जगमगा रही थी, हंसी और विनोद के कलमनाद गूंज रहे थे। और मैं क्या कर रहा था, मैं खड़ा था छोटे फुहारे के पास, तो वहाँ पर उन्हें कौन देखा, एक लड़का दिखा जो चुपचाप खड़ा था। वो लड़के के बारे में बता रहे कि लड़का कहता था, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, हाँ, जेब में कुछ ताश के पत्ते हैं, और उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। वो कह रहे कि मैं ना जाने क्यों उसके तरफ क्या हो गया, आकर्षित हो गया, उसकी तरफ देखने लगा। उसके अभाव में भी संपूर्ण थी। और मैं उससे पूछ बैठा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा, यानी इस कार्निवल में तुमने क्या देखा। क्या किससे बात कर रहे हो, वो छोटा बच्चा था, एक छोटा बच्चा बोले तो 14-15 साल की उसकी उम्र थी। उससे बात कर रहे हो कौन, जयशंकर प्रसाद जी, हाँ, कहाँ गए थे वो, कार्निवल में, और उनको वहाँ पर ये बच्चा दिखा था। उससे वो पूछ बैठे, उसकी तरफ आकर्षित हुए और उससे पूछ बैठे कि तुमने इसमें क्या देखा। किसने पूछा, जयशंकर प्रसाद जी ने। बढ़ते आगे, अब लड़का क्या करे, मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं, मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, टिकट लगता है। लेखक ने क्या पूछा कि आपने यहाँ पर इसमें क्या देखा, इस कार्निवल में क्या देखा। उसने कहा कि मैंने सब कुछ देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर में छेद करते हैं, और मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना पसंद हुआ, अच्छा मालूम हुआ। और उधर जो जादूगर बिल्कुल निकम्मा है, कुछ भी नहीं आता है उसको, जादूगर के नाम पर वो धब्बा है, उससे अच्छा तो जादू मैं दिखा सकता हूँ, उससे अच्छा तो खेल तमाशा ताश के पत्तों का मैं दिखा सकता हूँ, टिकट लगता है उसे तो। मैं जब बताता हूँ तो उसे क्या लगता है, टिकट लगता है। तो कौन कह रहा है, ये वो बच्चा कह रहा है जो फुहारे के पास खड़ा था, जिसकी तरफ जयशंकर प्रसाद जी क्या हुए थे, आकर्षित हुए थे और उससे बात करने लगे थे। उससे पूछे थे तुमने यहाँ क्या देखा, तो उसने यहाँ पर बता दिया सब कि मैंने ये देखा, चूड़ी देखा, खिलौने फेंकते हैं वो देखा, निशाना लगाते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें मैंने यहाँ पर देखा इत्यादि। चलिए बढ़ते आगे, मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। क्या कहा उसने कि मैं तो निशाना लगाना पसंद करूँगा। तो लेखक कह रहे कि चलो मैं वहाँ पर तुमको लेकर चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे, यानी उन्होंने धीरे धीरे में कहा कि आज के तो तुम मेरे दोस्त हो, यानी वो अकेले आए थे कार्निवल में तो उनका कोई साथीदार नहीं था, इसके लिए आज के तो तुम ही मेरे दोस्त हो। उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। उसने कहा था जादूगर का खेल वो तो बहुत निकम्मा है, उससे अच्छा जा तो मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुमको वहाँ ले कर चलता हूँ। तो उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, आइए चलिए निशाना लगाया, निशाना लगाते हम लोग। मुझे निशाना लगाना ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग पढ़ रहे हैं छोटा जादूगर, और लेखक जो है कार्निवल में आए थे, वहाँ पर उनको एक बच्चा दिखा,
छोटा बच्चा जिसकी उम्र 14-15 साल की थी, वो उसके तरफ आकर्षित हुए, उससे पूछ बैठे कि तुमने यहाँ पर क्या क्या देखा। उसने कहा कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जादूगर खेल दिखा रहा है, चूड़ियाँ फेंकते हैं, निशाना लगाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुमको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। उसने कहा कि नहीं, वहाँ पर जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सचूक सिर हिला दिया। तो जब उसने कहा कि चलो निशाना लगाते हैं, तो लेखक ने कहा ठीक है चलते हैं। सहमत हो गए उससे, हाँ चलो ठीक है वहाँ चलते हैं, लेकिन वहाँ चलने से पहले थोड़ा सा शरबत पी लिया जाए। तो उसने कहा कि ठीक है चलो शरबत पी लेते हैं पहले, उसके बाद निशाना लगाते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में उससे पूछा तुम्हारे और कौन हैं। वहाँ पर क्या थी, सर्दी थी, वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर शरबत वगैरह उन्होंने पिए और आगे बढ़ते जयशंकर प्रसाद जी ने उस लड़के से बातचीत शुरू की और कहा कि तुम्हारा और कौन है। समझ में आ रहा है ना आपके। जयशंकर प्रसाद जी कार्निवल में आए थे, वहाँ पे उनको एक लड़का मिला, उससे वो बातचीत कर रहे हैं, उसकी तरफ आकर्षित हुए, उनसे पूछा कि क्या देखा यहाँ पे। उसने कहा कि ये देखा, तो चलो हम भी देखते हैं, निशाना लगाते हैं, शरबत पी लेते हैं पहले। तो वो बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर वो निशाना लगाने आगे बढ़े, तो उन्होंने उससे पूछा किसने, जयशंकर प्रसाद जी जो इस पाठ के लेखक है, उन्होंने उस लड़के से पूछा तुम्हारा और कौन कौन है। देखते हैं आगे क्या कहता है वो, कौन कौन है उसका। माँ और बाबूजी, उसने कहा कौन है मेरा, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। कौन कह रहा है, जयशंकर प्रसाद जी। बाबूजी जेल में हैं, लड़के ने कहा बाबूजी जेल में हैं। लेखक कह रहे हैं क्यों, लड़का कह रहा है देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, वो बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो। देखिए आगे वो क्या कहता है। अभी क्या पूछा उन्होंने कि तुम्हारा और कौन कौन है, उसने कहा कि मेरे माँ और बाबूजी है। तो लेखक ने कहा उन्होंने तुम्हें यहाँ पे आने से मना नहीं किया। तो उसने कहा कि बाबूजी तो जेल में है, क्यों, देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, मेरी माँ तो क्या है, बीमार है। फिर लेखक ने कहा और तुम तमाशा देख रहे हो, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसा ले जाऊँगा तो माँ को पत्र दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। क्या कहा लेखक ने कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो। तो उसने अपने चेहरे से हंस दिया और कहा मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, बल्कि तमाशा दिखाने आया हूँ। हाँ मेरी माँ बीमार है, तमाशा दिखाऊँगा, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो अपनी माँ की मदद कर पाऊँगा। माँ बीमार है, उसकी दवाई ले पाऊँगा। मुझे आप शरबत ना पिलाकर मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे देते तो मैं ज़्यादा प्रसन्न होता, मुझे और खुशी होती। आप मुझे शरबत ना पिलाते, बल्कि उसकी जगह आप मेरा खेल देख लेते और खेल के बदले में आप मुझे कुछ पैसे देते तो मुझे और भी खुशी होती। देखिए क्या कह रहा है बच्चा कि आपने मुझे शरबत ना पिलाकर, शरबत पिलाना कोई ज़रूरी नहीं था। उसने ये नहीं कहा कि आप शरबत के पैसे मुझे दे देते, बल्कि ऐसा नहीं कहा, उसने ये कहा कि आप मेरा खेल देखकर। देखिए उसका स्वभाव कैसा था, वो किसी से पैसा मांग नहीं रहा था। समझ में आ रहा है आपके। आजकल हम देखते हैं कितने ही बच्चे रोड पर सिग्नल पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, बराबर ना। छोटे बच्चों को कभी भी पैसा उनके हाथ में नहीं देना चाहिए भीख के तौर पर, बराबर ना। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे बड़े लोग होते हैं, वो उनको भीख मांगने के लिए लगाते हैं और फिर उनको दिन भर की मजदूरी दी जाती है। मान लो उन्होंने दिन भर में
200 रुपये मांग मांग के कमाए तो उनको 50 रुपये उनमें से दिए जाते हैं, और 150 रुपया खुद बड़े लोग रख लेते हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी भीख नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो मांगने पैसे देने के बजाय उनको कुछ खिला देना चाहिए या पिला देना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये, उन पर पैसा खर्च करना चाहिए, उनके हाथ में पैसे नहीं देना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। इससे क्या होता है, अगर हमको पैसे देंगे तो फिर और बच्चों जो है और ज़्यादा भीख मांगने वाले बच्चे हमको नज़र आएंगे, क्योंकि ये एक रैकेट चलता है भीख मंगवाने का। समझ में आया ना आपके? तो ये बच्चा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो भीख नहीं मांग रहा था। उसने ये भी नहीं कहा कि आप मुझे शरबत के पैसे दे देते, उसने ये कहा कि आप मुझे शरबत ना पिलाते और मेरा खेल देखकर, क्या देखकर, मेरा खेल देखकर मुझे पैसे दे दे तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। देखिए उसकी माँ बीमार है और बाबूजी कहाँ पर है, जेल में है देश के लिए। ये बहुत पुरानी बात है, समझ में आ रहा है आपको? ये अभी का किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी बात है। तो देखिए उसके अंदर कितना मोहब्बत थी अपने माँ से, तो अपने माँ की दवा के लिए मेले में आकर, कार्निवल में आकर तमाशा दिखा रहा है। उससे पैसा जो उससे मिलेगा वो अपनी माँ को देगा, उस पर खर्च करेगा, उसकी दवाई लाएगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि आप मुझे ऐसा वैसा ना समझे, मैं कार्निवल में तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तमाशा दिखाने के लिए आया हूँ। तमाशा देखेंगे लोग तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, और वो पैसे का इस्तेमाल मैं अपनी माँ के लिए करूँगा। आप मुझे शरबत ना पिलाकर मेरा खेल देख लेते और उसके बदले में आप मुझे पैसे देते तो मैं ज़्यादा खुश होता, मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती। देखते आ गया कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, मैं आश्चर्य में उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। आश्चर्य में यानी मैं हैरत से उस लड़के को देखने लगा। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबी जी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करो और अपना पेट भरो। हाँ ये उस वक्त का है जब अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, हाँ भारतीयों को जेल में डाल रहे थे। ये उस वक्त का वाक्या है ना, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेज़ क्या करते थे हमारे हिंदुस्तानियों पर, भारतीय लोगों पर क्या करते थे, बहुत जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, उनको जेलों में बंद कर देते थे। तो ये लड़का वही कह रहा है कि मेरे बाबूजी जेल में हैं भारत देश के लिए, मैं भी जेल में जाता चाहता था लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरी माँ बीमार है। और कुछ लोग तमाशा देखते हैं तो क्यों ना मैं उनको तमाशा दिखाओ और कुछ पैसा कमाओ, उससे अपनी माँ की दवाई लो, अपना पेट भरो, अपनी माँ का पेट भरो। जब कुछ लोग देखते हैं तो मैं क्यों ना दिखाऊं, बराबर ना? तो वो क्या कह रहे, जब उसने कहा, लड़के ने कहा कि मैं यहाँ पर तमाशा देखने नहीं बल्कि दिखाने आया हूँ, पैसा कमाऊंगा उससे अपनी माँ का इलाज करूँगा, तो वो आश्चर्य रह गए। कौन? लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैरत में रह गए कि 13-14 साल का बच्चा देखो कैसी बातें कर रहा है। जब लोग कुछ लोग तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर उन्हें से पैसे लो और अपना पेट भरो, अपनी माँ का इलाज करो। देख रहे हैं ना आप लोगों के बच्चा कितना स्वाभिमानी था। कितना स्वाभिमानी था बच्चा, वो पैसे मांग नहीं रहा था बल्कि कमा रहा था। हमें सीख मिलती है कि हमें काम करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सबसे पहले तो हमें हमारी पढ़ाई, हमारी स्टडी मुकम्मल करनी चाहिए और उसके बाद जो भी काम हो वो करना चाहिए। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सब काम अपनी अपनी जगह पर अलग हैसियत रखते हैं, बराबर ना? चलिए बढ़ते आगे देखते हैं। मैंने दीर्घनी श्वास लिया, चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, मन व्याग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिया।
अब वो निकले थे कहाँ निशाना लगाने के लिए, तो रास्ते में सब ये सब बातें उनकी हुई कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, माँ है, बाबूजी है, बाबूजी जेल में है, माँ बीमार है, मैं ये कार्निवल में तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, ये सब बातें हो रही थी। तो फिर वो वहाँ पर पहुँच गए। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए, और वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए। कहाँ पर? निशाना लगाने की जगह पर जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। और जयशंकर प्रसाद जी ने कितने टिकट लिए? 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए कि चलो अब तुम निशाना लगाओ। तो वो निशाना लगाना पसंद था ना, चलो अब निशाना लगाओ। कितने टिकटें खरीदे? 12। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। किसके लिए? उस 14-15 साल के लड़के के लिए। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। जयशंकर प्रसाद जी जो इस पाठ के लेखक है, छोटा जादूगर जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, उसके लेखक है, वो कार्निवल में थे। वहाँ पर उनको एक बच्चा मिला और उसके साथ वो निशाना लगाने के लिए आए थे। 12 टिकट खरीद कर उसको दिया। समझ में आ रहा है ना? चले बढ़ते आगे। वो निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए गए। उन्होंने 12 टिकटें खरीद कर उसको दी। किसको? उस बच्चे को। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। लेकिन वो था पक्का निशानेबाज, उसने ऐसा निशाना लगाया कि उसकी कोई गेंद भी खाली नहीं गई, देखने वाले सब क्या हो गए? दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, यानी 12 खिलौने पर निशाना लगाया और बटोर लिया, यानी उसे 12 खिलौने मिल गए थे। उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांध दिए और कुछ अपने जेब में रख लिए। समझ में आया? कितने टिकट खरीदे थे उन्होंने? 12। कितना निशान लगाया उसने? 12 के 12। और कितने खिलौने मिले उसको? 12। बढ़ते आगे। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वो 9:00-11:00 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आँख बदल गई। जैसे उसे 12 खिलौने मिले तो उसने कहा कि बाबूजी बाहर आइए मैं आपको तमाशा दिखाता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो झटपट बाहर निकल गया। कौन? छोटा सा लड़का जो कि 15 साल का था। क्या हो गया वो? 9:00-11:00 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आँख बदल गई, यानी इतनी जल्दी बदल गया, देखो कितनी जल्दी ये भाग गया। कौन? लड़का। बढ़ते आगे। मैंने घूम कर पान की दुकान पर आ गया। मैं क्या किया? घूम कर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झोले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मता किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। अब वो निशाना लगा रहे थे, वहाँ से उसने 12 किलो ने लेकर चला गया कि बाहर आइए मैं आपको तमाशा दिखाता हूँ। और वो 9:00-11:00 हो गया। फिर वहाँ से निकले कौन? लेखक जयशंकर प्रसाद जी। घूमकर पान की दुकान पर आए, पान खाए, इधर उधर टहलते रहे, झूले वालों को ऊपर नीचे आता देखता हुआ खड़े रहे। तो अचानक किसी ने ऊपर से आवाज़ दी बाबूजी। मैंने पूछा कौन? उसने कहा मैं हूँ छोटा जादूगर। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपके? हाँ, जयशंकर प्रसाद जी कार्निवल में गए थे, वहाँ पर उन्हें एक लड़का मिला। उससे उन्होंने पूछा कि तुमने यहाँ पर क्या देखा? उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ें देखी। तो फिर वो उसकी तरफ आकर्षित हुए और उसको पूछा कि क्या क्या देखा? उसने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, जादूगर जादू दिखा रहा है, उससे अच्छा जादू तो मैं दिखाता हूँ, तो तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा कि मुझे पसंद है निशाना लगाना। तो उसने कहा चलो निशाना लगाते हैं। चलते चलते उन्होंने उससे बात की कि तुम्हारे घर में कौन है? मेरे घर में बाबूजी है, माँ है, माँ बीमार है, बाबूजी जेल में है देश के लिए। और जयशंकर प्रसाद जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ पर तमाशा देख रहे हो, तुम्हारी माँ बीमार है। उसने कहा मैं तमाशा देखने नहीं बल्कि यहाँ पर
दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं मेरी माँ बीमार है और मैं उनके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि उनका इलाज कर सकूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि छोटा जादूगर जो है 14-15 साल का कितनी मेहनत कर रहा है। तो फिर वो वहाँ पर पहुँच गए। कहाँ पर? निशाने वाले के पास। उन्होंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वो निकला पक्का निशानेबाज। उसने बार बार निशाना लगाया और पूरे 12 टिकटों का इस्तेमाल करते उसने 12 खिलौने जीत लिए। और फिर उसने कहा कि मैं चलता हूँ, बाहर आइए मैं आपको जादू दिखाऊंगा। तो फिर जयशंकर प्रसाद जी घूम फिर कर पान की दुकान पर आए। फिर वहाँ पे खड़े रहे, देखते रहे। और फिर वहाँ पर ऊपर से उन्हें किसी ने आवाज़ दिया, बाबूजी। तो उन्होंने पूछा कौन? उसने कहा कि मैं छोटा जादूगर। तो बच्चों, यहाँ पर जो है पहला पार्ट ख़त्म होता है और इसके बाद पार्ट 2 हम बहुत जल्द पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए और पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।